नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर लग्न वाले जातकों के लिए, कैप्रिकॉन एसेंडेंट वाले जातकों के लिए 15 जून से 15 जुलाई 2022 तक के मंथली प्रिडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रिडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर जन्म कुंडली, लगन कुंडली या D1 चार्ट लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पर 10 अंक लिखा है तो आपका मकर लगन है, कैप्रिकॉन एसेंडेंट है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं मकर लगन वाले जातकों के लिए 15 जून 2022 को प्लेनेट उनके किस किस हाउस से प्लेस्ड होकर के गोचर करेंगे। मकर लगन वाले जातकों के लिए उनके फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, उनके सेकंड हाउस में शनि ग्रह कुंभ राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। थर्ड हाउस में मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं राशि में मंगल ग्रह के साथ गोचर करेंगे। फोर्थ हाउस में मेष राशि में राहु ग्रह और शुक्र ग्रह गोचर करेंगे कि फिफ्थ हाउस में वृषभ राशि में बुध ग्रह गोचर करेंगे। सिक्स हाउस में मिथुन राशि में सूर्य ग्रह गोचर करेंगे। इनके सेवन्थ एट नाइन्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है कि टेंथ हाउस में तुला राशि के अंदर केतु ग्रह गोचर करेंगे। इनके इलेवेंथ ट्वेल्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। तो ये थी प्लेनेटरी पोजिशन। अब इसके बाद बात करेंगे प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 15 जून से 15 जुलाई 2022 तक मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य आपके लिए आपके एट्थ हाउस के लॉर्ड होकर के आपके सिक्स हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपको, अगर आपको कोई ऋण लेना है, सरकारी डिपार्टमेंट से कोई ऋण लेना है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कार्य है, उसके अंदर व्यवधान उत्पन्न होगा, डिले हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आपको कोई डिजीज़ है या आपके पार्टनर को कोई डिजीज़ है तो वो अब ठीक हो जाएगी, उसमें ठीक होने के चांसेस दिखाई देंगे, सुधार के लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपका कोई एनिमी है तो वो था में परिवर्तित हो जाएगा, वो आपके बल, आपकी ताकत, आपके नेम फेम से अपने आप आपसे दूर हो जाएगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आपका पिछले समय में कोर्ट और कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कोई मैटर पेंडिंग था या चल रहा था तो उसके अंदर भी आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आपको कोई नई एडवाइस मिल जाए, कोई नया क्लू मिल जाए जिसके माध्यम से आप अपने इन कार्यों को पूर्ण करा पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, बैंक इत्यादि से कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, लोन आपको मिल जाएगा, लोन आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा, परंतु ये जो लोन रहेगा ये लोन फिर किसी प्रकार से गवर्नमेंट के ऊपर ही खर्च हो जाने वाला है, या किसी गवर्नमेंट कार्य को करने के लिए आप गवर्नमेंट बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा, सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 3 जून से 1 जुलाई 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और बुध ग्रह आपके लिए आपके सिक्स और आपके नाइन्थ हाउस के लॉर्ड होकर के आपके फिफ्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपकी बुद्धि विवेक का विस्तार होना, आप अपने बुद्धि विवेक और के बल पर अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे। आप इस समय में अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप कोई हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। इस समय में जो स्टूडेंट हैं वे अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो मकर लगन वालों के जातक हैं, बच्चे हैं जिनके, वे इस समय में अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसके साथ साथ उनका जो ध्यान है वो किसी टेक्निकल नॉलेज की तरफ जा सकता है, कोडिंग इत्यादि, लैपटॉप कंप्यूटर सीखना, इस तरह की, या सॉफ्टवेयर बनाना, इस तरह के बहुत सारे जो आईटी से रिलेटेड कार्य हैं उनकी तरफ आप इनके आपके बच्चों का या जो स्टूडेंट हैं उनका ध्यान केंद्रित होगा और वे इस तरह की कोई नॉलेज प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और कर भी पाएंगे।
इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे जिनके संतान है उनकी संतान की कम्युनिकेशन की मात्रा बढ़ जाएगी, वे थोड़ा बातचीत ज़्यादा करेंगे, इस समय में ज़्यादा बातचीत करने वाले होंगे। इसके साथ साथ जो मकर लगन वाले जातक क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उसे कार्य को करने से उन्हें भी लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे जब 2 जुलाई से 16 जुलाई 2022 तक बुध ग्रह मिथुन राशि में चले जाएंगे। देखिए जब बुध ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे तो इस समय में आप अपनी वाणी के द्वारा अपने शत्रुओं को दूर कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपका कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो उस कार्य को भी आप अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से पूर्ण करा पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपका कोई शत्रु है तो वो आपसे बातचीत करके ही दूर हो जाएगा, वो फिर आपके सामने नहीं आएगा। इस समय में आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी और आपको आपके मामा मौसी से कोई कम्युनिकेशन करने का अवसर प्राप्त हो जाए, लाभ प्राप्ति के अवसर दिखाई देंगे। इसके बाद शुक्र ग्रह की बात करेंगे। शुक्र ग्रह 23 मई से 18 जून 2022 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 5th और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं और शुक्र राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल में आप अपने घर के अंदर या अपने वर्क प्लेस के ऊपर कोई नया इलेक्ट्रॉनिक आइटम, फैशनेबल आइटम आप ला सकते हैं। इसके साथ साथ अपने घर को आप रेनोवेट भी करा सकते हैं। हो सकता है आप अपने घर को रेनोवेट कराएं, वाइट वॉश इत्यादि कराएं, कोई लग्जरी की चीज़, कोई व्हीकल आप परचेज़ कर सकते हैं। अचानक से आपको एक व्हीकल परचेज़ करने का ख्याल आया और आपने एक व्हीकल परचेज़ कर लिया, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। या अगर आपके पास कोई पुराना व्हीकल है तो आप उसे रेनोवेट कराएंगे, उसके ऊपर डेकोरेशन का कुछ कार्य कराएंगे, उसकी साज सज्जा पर कुछ कार्य करेंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके माता पिता के प्यार का लाभ प्राप्त होता है, यहाँ पर दिखाई देता है। इस समय में अच्छा घर, अच्छा व्हीकल, अच्छे माता पिता का, अच्छी फैमिली का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपके दिल के अंदर एक खुशियों का संगीत बजता हुआ आप देख पाएंगे, खुश रहेंगे। कुल मिलाकर के समय खुशी देने वाला है। इसके बाद जब शुक्र ग्रह आपके 5th हाउस में वृषभ राशि में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके 18 जून से और 13 जुलाई 2022 तक ये यहाँ पर रहेंगे। ये समय आपको किसी न किसी प्रकार से, ये अपनी स्वयं राशि में आ जाएंगे, किसी न किसी प्रकार से कोई अच्छी एजुकेशन देने वाला रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आप कोई नया लव रिलेशन, रोमांस इत्यादि कर पाएंगे, चीज़ों के अंदर आप लालयित रहेंगे। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट हैं इस समय में वे भी अपोजिट सेक्स की ओर आकर्षित होंगे और उनसे लव रिलेशन इत्यादि बनाने का प्रयास करेंगे और बना भी पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप कुछ ऐसी एजुकेशन लेना जो डेकोरेशन से संबंधित हो, आर्ट, डिजाइन, सिंगिंग, इस तरह की चीज़ों का आप एजुकेशन लेकर के लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कोई गैजेट भी हो सकता है, गैजेट जिस तरीके से कंप्यूटर इत्यादि है, इससे डिजाइनिंग का कोई कार्य करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 13 जुलाई से 7 अगस्त 2022 तक मिथुन राशि में जब शुक्र ग्रह चले जाएंगे तो इस समय अंतराल के अंदर आपको किसी भी फीमेल से किसी भी प्रकार से कोई झगड़ा नहीं लेना चाहिए, झगड़ा बोल नहीं लेना चाहिए। बहुत ही प्यार से समझा करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज इस समय में किसी अपोजिट सेक्स वाले जातक से झगड़ा लेना या झगड़ा कर लेना आपके लिए नुकसानदायक रह सकता है, या इस समय में आपका अपोजिट सेक्स वाला कोई जातक एनिमी बन सकता है, उससे बच के रहने का प्रयास करें। वैसे तो एनिमी आपको इस समय में कोई हानि नहीं पहुँचा पाएगा, परंतु नया एनिमी बनाना कोई फायदे की चीज़ नहीं रहेगी। आगे बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 17 मई से 26 जून 2022 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल ग्रह आपके लिए आपके 4th और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 3rd हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर आपको यात्राओं के माध्यम से लाभ होना, अगर आपका मार्केटिंग इत्यादि का कार्य है तो आप अपने मार्केट प्लेस में जा करके अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस का प्रेजेंटेशन अगर देते हैं तो वहाँ से आपको अच्छे रिजल्ट मिलते दिखाई देते हैं। अच्छा धन लाभ होना, अच्छे ऑर्डर प्राप्त हो जाना, आपका नेम फेम होना, सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में यात्राएं करने के लिए रहेगा,
छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करने से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ यात्राओं के दौरान आपको कुछ मेहनत, जिसे कहते हैं हार्डवर्क, करना भी साथ में रहेगा। एनर्जेटिक आप रहेंगे। भागा दौड़ी करना इस समय में, कोई रेल है, कोई फ्लाइट है या कोई बस है, उसे पकड़ने के लिए भागना इस समय में आपको पड़ सकता है। तो समय से थोड़ा सा पहले निकल करके चले गए तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे, भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके सिबलिंग्स के यहाँ पर भी जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है और वहाँ से भी आपको कुछ धन लाभ प्राप्ति के अवसर दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं। मंगल ग्रह 27 जून से 9 अगस्त 2022 तक मेष राशि में चले जाएंगे। देखिए, मंगल ग्रह जब आपके अपनी स्वयं राशि में आ जाएंगे, यहाँ पर आपके फोर्थ हाउस में राहु के साथ होंगे इस समय अंतराल के अंदर, और राहु के साथ होंगे इस समय अंतराल के अंदर घर के अंदर ज़्यादा एनर्जेटिक होना, मारा पीटी करना, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। इस समय में क्रोध की अधिकता आ सकती है, छोटी छोटी बातों पर क्रोध हो सकता है। इसके साथ साथ जिन जातकों को ब्लड और ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे बीपी है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए केयरफुल रहना चाहिए। समय बहुत ही इन चीज़ों से बच करके रहने का, शांति से रह करके चलने के लिए रहेगा। और जिन्हें कोई भी बीपी से रिलेटेड, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड कोई उनकी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मेडिसिन कंटिन्यू रखें, छोड़े नहीं इस समय बिल्कुल भी, ढिलाई ना बरतें बिल्कुल भी, तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में कोई व्हीकल इत्यादि अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो अचानक से कोई व्हीकल परचेज कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया, कोई व्हीकल परचेज करने की आपको अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी, अचानक से आप परचेज करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। या आपके पास कोई व्हीकल है तो उससे आप लॉन्ग ड्राइव पर भी जा सकते हैं, ऐसा दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके थर्ड और आपके ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड होकर के आपके थर्ड हाउस से गोचर करेंगे इस समय अंतराल में। अगर आपका टूर ट्रैवल से रिलेटेड कोई कार्य है और यहाँ पर गुरु ग्रह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे, अगर आपका टूर ट्रैवल से रिलेटेड कोई कार्य है तो उसके अंदर कुछ व्यवधान आ सकते हैं, कार्य आपके डिले हो सकते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए एक प्लानिंग, एक रूपरेखा बना करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके पड़ोसियों के यहाँ पर भी किसी न किसी प्रकार से धन और धन से संबंधित कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, या उनके जीवन में कोई ऐसी परेशानी आए जिसमें धन की आवश्यकता उन्हें हो, ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ अगर आपके घर में कोई मेड इत्यादि आपने रख रखी है, आपने सेवक वगैरह रख रखे हैं, तो इस समय में उन्हें भी किसी प्रकार की धन से संबंधित प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के ऊपर बात करते हैं, देवगुरु बृहस्पति की पांचवी दृष्टि, 1 2 3 4 5 देवगुरु बृहस्पति की पांचवी दृष्टि जब आपके सेवेंथ हाउस पर पड़ती है, ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर जो मकर लग्न वाले जातक स्टूडेंट हैं वे अपने मित्रों के साथ किसी यात्रा टूर ट्रैवल का लाभ उठा पाएंगे, अच्छी ट्रैवल ट्रिप की हो सकती है। इसके साथ साथ इस समय में जो मैरिड है वे अपने स्पाउस के साथ किसी यात्रा पर जाकर के छोटी दूरी की टूर ट्रैवल का लाभ उठा पाएंगे, यात्रा थोड़ी लंबी भी हो सकती है, दोनों तरह की यात्राएं आ सकती है, यहाँ पर धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है। इसके साथ साथ जो जातक बिजनेस करते हैं और जॉब करते हैं वे अपने मित्रों के साथ और अपने एम्प्लॉय के साथ भी या बिजनेस पार्टनर के साथ भी यात्रा करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कुछ व्यापार अगर करते हैं या जॉब करते हैं तो मार्केट प्लेस में, पब्लिक प्लेस में आपका नेम फेम होना इस समय में बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की सातवीं दृष्टि जब आपके नाइन्थ हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर अगर आपको कोई लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे, तो करने से लाभ प्राप्त होगा। इस समय में कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग भी आपकी हो सकती है। इस समय में राज्य सरकार शासन सत्ता से आपको कुछ नेम फेम मिल जाए, ऐसी भी संभावना दिखाई देती है। कुल मिलाकर के भाग्य का सपोर्ट आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति के नाइन्थ एस्पेक्ट आपके 11th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय में अच्छे मित्रों का सुख प्राप्त होना, मित्रों के साथ एक अच्छी ट्विनिंग हो पाना, नेम फेम बढ़ना, कुछ लाभों की प्राप्तियाँ होना, धन लाभ प्राप्त हो जाए, कोई व्हीकल प्राप्त हो जाए, कोई प्रॉपर्टी प्राप्त हो जाए, इस तरह की चीज़ों का लाभ प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
आगे बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 29 अप्रैल से 11 जुलाई 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि 5 जून 2022 से रेट्रोगेट हो गए हैं और ये 23 अक्टूबर 2022 तक रेट्रोगेट रहेंगे। अप्रोक्सीमेटली 141 डेज तक का इनका ये टाइमिंग रहेगा और 12 जुलाई से ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये मकर राशि में आ जाएंगे 12 जुलाई को रेट्रोगेशन की अवस्था में। तो इस समय अंतराल के अंदर मकर लगन वाले जातकों को और ये शनि ग्रह जो भ्रमण कर रहे हैं धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, इस समय में सबसे पहले तो आपको अपने सर्व हस्तक्ष पे चोट लगने से बचाना चाहिए। किसी प्रकार की कोई चोट इत्यादि लगने की संभावना या जलने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है, चीज़ों से बचकर रहें। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर किसी भी प्रकार से कोई क्रोध ना करें। अगर आप स्पोर्ट भी खेलते हैं तो थोड़ा केयरफुल होकर खेलें, अदरवाइज स्पोर्ट करना, साइकिलिंग करना, इस तरह की चीज़ों में या जिम इत्यादि में जाने से लोहे से या किसी गर्म चीज़ से कोई हानि होने की संभावना दिखाई देती है, उसके लिए केयरफुल रहें। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको आप देखेंगे आपके मन के अंदर विचार तो बहुत सारे आएंगे, ये कार्य कर लिया जाए, वो कार्य कर लिया जाए, जिम में जाया जाए, कल से जिम में जाएंगे, परंतु संभावना कम बनती है जाने की, और जाते हैं तो वहाँ पर फिर चोट लगने की संभावना दिखाई देती है। फिर आप बाद में यही कहेंगे कि ना आता तो अच्छा रहता, परंतु नहीं, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, मेडिटेशन करें, जिम जाए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु थोड़ा केयरफुल होकर करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि के विषय में। जब शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि आपके थर्ड हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर यात्राओं के दौरान भी थोड़ा सा अपने लिए केयरफुल होकर के चले, अपने कीमती सामान की रक्षा करें, कीमती सामान को सुरक्षित करके रखें। इसके साथ साथ पानी इत्यादि का आप सेवन अधिक मात्रा में करें तो लाभ, और वो भी ड्रिंकिंग वाटर आप प्योर वाटर लें, आर ओ बिस्लरी जो भी आप देखते हैं मार्केट में वो लें, आप नॉर्मल पानी ना पिए, इस समय में नॉर्मल पानी से भी हानि होने की संभावना दिखाई देती है। इसके बाद जब शनि ग्रह की सातवीं दृष्टि आपके सेवेंथ हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपको आपके पार्टनर के साथ किसी प्रकार से झगड़ा करना, बिजनेस पार्टनर हो चाहे लाइफ पार्टनर हो, और अगर मित्र है तो मित्रों से भी किसी प्रकार का अगर कोई झगड़ा होता है तो उसे शांतिप्रिय तरीके से सॉर्ट आउट किया जाए ताकि अच्छे संबंध आपके बने रहें और आप अच्छे जीवन का सुख प्राप्त कर पाएँ। इसके बाद जब शनि ग्रह की दसवीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र में पड़ती है तो ये बताती है इस समय में कार्य व्यवसाय में अप एंड डाउन आने की स्थिति बनेगी, लाभ भी होगी, परंतु एनर्जेटिक रह करके मेहनत हार्डवर्क स्मार्ट वर्क करके आप अपने कार्य व्यवसाय को उन्नति प्राप्त करा पाएंगे। और जॉब अगर आप करते हैं तो जॉब जैसी चल रही है उसे वैसे चलने दें, उसे छेड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा स्ट्रगल करें, हार्डवर्क रहेगा परंतु कार्य पास हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु ग्रह यहाँ पर भरणी नक्षत्र में शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ये समय आपको आपके घर का रेनोवेशन कराना, कोई नया गैजेट परचेज करके लाना, कोई सुख सुविधा की आराम की चीज़ आप परचेज कर सकते हैं, कोई एसी हो सकता है, कूलर हो सकता है, कोई फैन हो सकता है, कोई ऐसी वस्तु जिससे आपको आराम प्राप्त हो, आपके हृदय के अंदर एक सकून प्राप्त हो, इस तरह की चीज़ों का आप लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर जब राहु हैं आए हैं शुक्र के नक्षत्र में हैं तो ये बताते हैं इस समय अंतराल में आपको आपकी माता से कोई हेल्प प्राप्त हो जाए, कोई एडवाइस प्राप्त हो जाए, उनका सुख प्राप्त होता दिखाई देता है। कुल मिलाकर के आप अपने घर के अंदर अच्छे व्हीकल, अच्छे पेट्स, अच्छी फैमिली का सुख प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु ग्रह यहाँ पर विशाखा नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपका कार्य व्यवसाय तो बढ़ेगा, उससे लाभ तो आपको प्राप्त होगे, हार्डवर्क तो रहेगा, परंतु कार्य व्यवसाय में तरक्की होना, लाभ प्राप्त होना, ऐसी स्थिति बनेगी, उसका लाभ आप प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप अपने कार्य व्यवसाय पर कोई धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं, कोई पूजा पाठ इत्यादि कराते हैं, कोई छोटा सा हवन इत्यादि कराते हैं तो वो वहाँ पर होने वाली सभी प्रकार की निगेटिविटी को दूर कर पाएगा, आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु प्लेट ट्रांजिट में प्लेट के मूवमेंट के ऊपर वर्णन। अब बात करेंगे कुछ गुड डेट्स के बारे में। गुड डेट्स आप जानते ही हैं, गुड डेट मतलब गुड डेट कुछ लाभ होगा, और इसके साथ साथ गुड डेट टाइप टू बी केयरफुल के लिए। अब ये टाइप टू बी केयरफुल क्या है, डरने की आवश्यकता नहीं है,
ये वे डेट होती है जो थोड़ी सी कुछ समय के लिए परेशानी देती है, कुछ टेंशन दे सकती है या किसी प्रकार की परेशानी में डाल सकती है। तो उससे बच कर के निकलने का प्रयास करें, क्योंकि जब हमें डेट पता है तो बच करके निकल ही जाएंगे। आगे मैं उपाय भी बतलाता हूँ। 15 जून, 15 जून जो डे रहेगा, ये समय आपको आपके धन को किसी न किसी प्रकार से, या तो आप दाल पूरी इत्यादि के ऊपर खर्च करेंगे, खर्चा होगा, या किसी की हेल्थ के लिए ऊपर आपका धन खर्च ही हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये डेट धन खर्चा कराने वाली होगी, तो धन को खर्च करना है, बजट बना करके चलेगी तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 20-21-22 जून को, 20-21-22 जून ये आपको ट्रैवल कराने वाला रहेगा। और ट्रैवल अगर आप मार्केटिंग इत्यादि कार्य करते हैं तो ट्रैवल करने से, मार्केट में जाने से इस दिन आपको लाभ होगा, आपको धन प्राप्त हो, ऑर्डर प्राप्त हो, लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 23-24 जून को ये समय आपको अपने घर के अंदर किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष अगर है तो उसके लिए वास्तु कंसल्टेंट से एडवाइस लेने के लिए उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ अपने माता पिता की हेल्थ के लिए इस समय में थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता रहेगी कि हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इसके साथ साथ अगर आपका कोई व्हीकल है तो इस डेट में उसे थोड़ा केयरफुल होकर चलाएं, धीरे चलाएं, तेजी ना करें, खराब हो सकता है। इसके बाद बात करेंगे 3-4 जुलाई को, 3-4 जुलाई ये इस समय में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से मिलना हो जाए, आपको कोई ऐसी यात्रा करनी पड़ जाए जिसके लिए आपको बनना हो, और आपकी हेल्थ थोड़ी सी वीक रह सकती है। इस समय में अगर आप कोई रिसर्च या कोई ओकुल्ट साइंस, कोई मंत्र, इन सब चीज़ों का या कोई धार्मिक पुस्तक से आप कुछ लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे पढ़ करके या उससे लाभ प्राप्त आप कर पाएंगे। इसके बाद 5-6 जुलाई को, 5-6 जुलाई ये समय आपको आपके भाग्य का सपोर्ट देने वाला रहेगा। हो सकता है कोई रिलीजियस लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल हो जाए और इस समय में भाग्य का पूर्ण सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। राज्य शासन सरकार सत्ता से भी कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है, सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 9-10 जुलाई जो है, इस समय में आप अपने धन को किसी न किसी प्रकार से सेविंग करेंगे, धन की सेविंग करेंगे। हो सकता है कोई RD, FD, इंश्योरेंस पॉलिसी में आप धन का निवेश करें और उस धन को आप अच्छी प्रकार से मैनेज कर पाएंगे। हो सकता है इस समय में आप किसी मित्र के यहाँ पार्टी में जाने का अवसर प्राप्त हो और नेम-फेम आपका बढ़े, सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 11-12 जुलाई को ये समय आपका, अगर आप एब्रोड जाना चाहते हैं तो एब्रोड जाने के लिए खर्चा करने के लिए उत्तम रहेगा। आपका धन किसी न किसी प्रकार से किसी व्हीकल के ऊपर खर्च हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन पे ऊपर खर्च हो जाए, किसी रिलीजियस ट्रैवलिंग पर चले जाएँ, रिलीजियस प्लेस पर जाने में खर्च हो जाए, सब चीज़ों में आपका, या मेडिकल मेडिसिन में खर्च हो सकता है, तो सब चीज़ों के लिए केयरफुल रहेंगे। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप कोई किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए, इस समय अंतराल के अंदर आपको डेली हनुमान चालीसा का एक पाठ करके या 3 पाठ करके अपने घर से निकलना चाहिए। अपने वर्क प्लेस पर जाते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करके निकलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को कुछ धन, कुछ भोजन, कुछ वस्त्र, कुछ शूज चप्पल इत्यादि डोनेट करें, छाता भी डोनेट कर सकते हैं, सब चीज़ों को करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। वैसे कोई भी एक काम करके निकलेंगे, और विशेष तौर से जो जो डेट है टाइप टू बी केयरफुल वाली, इस डेट में आप ज़रूर हनुमान चालीसा का पाठ करके निकलें और कुछ डोनेशन करें तो आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये था मकर लगन वाले जातकों के लिए मध्य प्रिडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।